गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जैसे अगला टॉपिक करांगे, अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जी है, ये समझने तो पहला सानू पता होना चाहिए वा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होंगी है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of forces crossing a surface area normally. इलेक्ट्रिक लाइन्स की वो गिनती जिहड़ी की है किसी भी सरफेस दे विचों नॉर्मली पास करती है, उन्होंने आपां बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यह इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इनू असी फाई दे नाल डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इहदा फार्मूला वा ई डॉट डी एस, ई हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड, डी की है स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये एरिया स्मॉल है, इस करके फ्लक्स नू भी असी डी फाई नोट करते हैं कि फ्लक्स भी स्मॉल है। अगर असी कंप्लीट लिखनी है फ्लक्स, तो क्लोज्ड इंटरैगरल लैके असी लिख दें ई डॉट डी एस, ये आ गई इलैक्ट्रिक फ्लक्स। हुण इहदे एस आई यूनिट्स की होंगे, एस आई यूनिट्स जिहड़े आ, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला आपां पढ़िया डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होंगे न्यूटन पर कूलम, तो डिस्टेंस दे एरिया दे, सॉरी मीटर स्केयर, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दे एरिया दे मीटर स्केयर। सो यूनिट्स आ गए न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम। ठीक है, ये अलावा जोड़ा वा इलेक्ट्रिक फील्ड के एक हो यूनिट भी होंगे, उसे अगले चैप्टर पढ़ने हैं, वो होंगे वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्केयर। जब अच्छी लिखा तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट बन जाएंगे वोल्ट मीटर, ये इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स फिर की हो गया कि किनिया इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स किसी एरिए नॉर्मली फॉल करते, जिदा पेपर के आउटवर्ड फॉल कर बाहर निकल या अंदर जिन्नी इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स 90 डिग्री के एंगल से, उन्होंने ही बोलते हैं इलैक्ट्रिक फ्लक्स। उस तो बाद गॉस थ्योरम, the total electric flux through a closed surface is 1 over epsilon naught times the charge enclosed। मतलब कोई भी सरफेस आ, अगर वो अंदर से क्यू चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो बाहर आनगियां नॉर्मली जो बाहर आनगियां वो कितनी होएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप लिखते हैं ई डॉट डी एस, ये कितनी होएगी 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज, मतलब q/ε0, इन बोलते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम दे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ने जिन्हां विच सब तो पहला आप करांगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइन ऑफ चार्ज करके असी फाइंड करना होए तो आप किस तरह करांगे। लाइन ऑफ चार्ज का मतलब है कि एक लाइन के उत्ते चार्ज जड़ा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों चार्ज है से
लेंथ जी लाइन की एल आडे को लीनियर चार्ज डेंसिटी जी है लैमदा के इक्वल आ जाएगी क्यू ओवर एल। ये अस कही कि चार्ज कि आ जाएगा लैमदा एल या कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। हूँ ये जी है समझ की जरूरत है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की होंगी है। हम मैं एक्सप्लेन करना कि आप एक लाइन चार्ज लिया लाइन ऑफ चार्ज ये उत्ते ही गोशियन सरफेस ड्रॉ करना मतलब यदि इलैक्ट्रिक लाइन जड़ियाँ किधर किधर न जा ड्रॉ करने एक इमेजनरी बॉडी ड्रॉ कर ली क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की पॉजिटिव टू अवे इस करके इलैक्ट्रिक फील्ड या तो उपर जाएगा या हेठा जाएगा। हूँ जो गोशियन सरफेस आ ये तीन सरफेस है दो सर्कल है साइडा तो सिलेंडर के एक जो कर्व पाथ पाथ है सिलेंडर के एक उपर वाला गोल हिस्सा आता है एक नीचे वाला आता है एक साइडा तो कर्व पार्ट है सिलेंडर का यद मतलब ये तीन एरिए हो गए एस वन एस टू एंड एस थ्री। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की है पॉजिटिव टू अवे उपर वाल होगी या नीचे वाल होगी। हूँ इनू समझ लिये तीन समॉल एलीमेंट ले रहे हैं एक उपर वाले हिस्से में जिदा नाम रख दिता डी एस वन एक कर्व पाथ दे विच है जिदा नाम रख दिता डी एस टू समॉल एलीमेंट तो तीसरा दूसरी साइड से सर्कल ले लिया हो गया डी एस थ्री आ गया ठीक है। हूँ असी पढ़िया है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई जिन्हों इलैक्ट्रिक फ्लक्स कहने ई डॉट टी एस जी है इक्वल है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इफ लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ चार्ज ऑफ लेंथ एल दैन क्यों कहते इक्वल हो जाएगा लैम्डा एल दे इक्वल आप पिछले पढ़िया होने इतने क्यों कहते इक्वल सी लैम्डा एल यदि वैल्यू अगर पुट कर दिए साढ़े को आ जाएगा ई डॉट डी एस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू जगह लगता लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो जो इंटैग्रल है तीन हिस्से है एस वन एस टू एस थ्री तीन सरफेस है सरफेस एरिया वा इस करके असं तीन पार्ट लिख लें पहला एस वन ई डॉट डी एस वन दूसरा एस टू ई डॉट डी एस टू तीसरा एस थ्री ई डॉट डी एस थ्री पहला क्लोज्ड पार्ट से हम तीन हिस्से हो गए अलग अलग एक इक्वल आ गया लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की है अपवर्ड है इस जगह तक अगर मैं ड्रॉ करा समझने लिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड के एरिया दे विच एंगल कितना आ गया 90 डिग्री डी एस वन के केस विच ये सेम डायरेक्शन है डी एस टू के केस इस करके एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। उस तरह थर्ड केस दे विच भी इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एस थ्री दे विच एंगल कितना 90 डिग्री। सो आप इत लिख देंगे एस वन ई डी एस वन कॉस 90 सेकेंड जो सरफेस इंटैग्रल आ गया ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री क्योंकि इतने सेम डायरेक्शन है प्लस ई डी एस थ्री
cos again third which we see 90 degree angle lambda l over epsilon naught cos 90 0 cos 0 1 इस करके ये भी खत्म हो जाना है, थर्ड वाला भी S3 वाला भी खत्म हो जाना। साढ़े को सिर्फ रह गया है S2 वाला इंटीग्रल E ds2 cos 0 1 होता है लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड़ा E बाहर आ गया E मल्टीप्लाई बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds2 इज इक्वल्स टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। हुन कर्व पार्ट सी जेड़ा ds2 वाला तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया की होंगे है 2 पाई आर एल। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच होंगे है क्योंकि ये आप लेंथ जी सिलेंडर की एल नहीं है, ठीक है। यदा रेडियस जोड़ा है आर लिया सी, लेंथ एल नहीं है, इस करके 2 पाई आर एल आ गया 2 पाई आर एल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गया लैम्डा एल ओवर 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल कैंसिल हो गया, साडे को इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह कर लेना सारे ने। स्टे होम स्टे।